नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी पनीर की बिल्कुल ही अलग और नए तरीके से बनी हुई सब्जी रेसिपी। तो एक बार इस तरीके से पनीर की सब्जी बनाइए जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होएगी और सब लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इसे आप किसी छोटे मोटे पार्टी या बच्चों के बर्थडे में एक बार अवश्य ट्राई कर सकती हैं। पनीर की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने टमाटर को अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। मखाना और काजू को एक कटोरी में 1 से 2 घंटे पहले भिगो लिया था। टमाटर को इस तरह से काट लेंगे। अब इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मखाना और काजू को जो भिगो कर रखा हुआ था उसको भी इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे, जीरा तड़का लगाएंगे, अब हरा एक मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब डालेंगे खड़ा गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और डालकर 1 से 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और जो पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था उसको डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छे से पका लेना है। जब तक मसाले से ऑयल ना सेपरेट हो जाए तब तक मसाले को अच्छे से पकाना है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला धनिया पाउडर के साथ और 1 चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और सबको साथ में अच्छे से मिक्स करके ढककर पका लेंगे ताकि मसाला के साथ सूखा मसाला भी अच्छे से पक जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम पे मसाले जल जाएंगे। देखिए मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई पनीर। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था जिसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में काट लिया था। पनीर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले के साथ पनीर को 2 से 3 मिनट तक ढककर पका लेंगे। देखिए अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। अब साथ में सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। देखिए अभी पनीर के साथ मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे पानी। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी पानी का यूज किया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमको थोड़ा थिक बनाना था इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी पानी डाला है। देखिए पकना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया और डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद करेंगे और इसको सर्व कर लेंगे।